भले ही आज देश दुनिया की नजर जोशीमठ की आपदा पर टिकी है, किंतु जोशीमठ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अनेकों गांव शहरों के सिसकते खिसकते पहाड़, दरकती जमीन और घरों पर आ रही दरारों से लोग दहशत में हैं। किंतु किसी आपदा से पहले कुछ नहीं होगा। विकास की होड़ में अंधे धृत राष्ट्रों को उत्तराखंड की बर्बादी से क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो तकनीकी विज्ञान से देवभूमि में सिर्फ और सिर्फ कमाई करने के जरिए ढूंढने हैं। पहाड़ खिसके तो खिसकने दो, जमीन दरके तो दरकने दो, बाढ़ आए तो आने दो, ग्लेशियर टूटे तो टूटने दो, गांव के गांव डूब गए, ऐतिहासिक शहरों का नामो निशान मिट गया, सारा भूगोल बदल गया, किंतु प्रकृति को क्रोधने वाले धृत राष्ट्रों की मनमानी नहीं बदली। प्रकृति से अपार प्रेम पाए हुए मनमोहक देव धरा उत्तराखंड मानव कृत आपदाओं का शिकार हो रहा है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धरती का सबसे खूबसूरत भूभाग कुपित प्रकृति के प्रहार से बेनूर हो जाएगा। पहाड़ काटे जा रहे हैं, धरती का गर्भ सुरंगों से आर पार हो रहा है, युगों युगों से बहती नदियों की धारा को इस कालखंड में बांधों से बांधा जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐतिहासिक गांव शहर साल दर साल डुबाए जा रहे हैं, देवभूमि के देवी देवताओं के मंदिरों को छिन्न भिन्न किया जा रहा है जो कभी तीर्थ से कम नहीं थे। शायद ही देवभूमि उत्तराखंड के अलावा विश्व में प्रकृति से कहीं ऐसा खिलवाड़ हुआ हो। प्रकृति से ऐसा खिलवाड़ उत्तराखंड को उजाड़ बना सकता है। संभल जाओ, प्रकृति ने अभी अपनी विनाश लीला शुरू नहीं की है, वो तो बस संकेत दे रही है। चेत जाओ और चेत जाओ, तथा कथित विकास के लिए स्वयं को और स्वयं की पीढ़ियों को विनाश के मुंह में मत धकेलो। स्वयं व स्वयं की मातृभूमि को बचाने के लिए विरोध करो। अभी प्रकृति शांत है, बस थोड़ा करवट बदल रही है, किंतु जिस दिन कुपित होकर अपना प्रहार करेगी उस दिन उसके शोर के आगे सब कुछ शांत हो जाएगा। तुम्हारी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का तथा कथित विकास ढांचा सिर्फ और सिर्फ मलबे में बदल जाएगा, अवशेष भी शेष नहीं बचेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट करें। प्रकृति कब से चेता रही है? 16 जून 2013 को केदारनाथ में चेताया, उसी दिन अनेकों स्थानों पर आपदा आई थी। 7 फरवरी 2021 को चमोली में चेताया, ऋषि गंगा परियोजना को उखाड़ फेंका। प्रकृति की सबसे प्रिय पुत्री गौरा देवी का गांव रैणी भी इससे अछूता नहीं रहा, जिस गांव से पर्यावरण बचाव के लिए चिपको आंदोलन का उदय हुआ था। प्रकृति कई स्थानों से चेताने में लगी है, संभवतया हर उत्तराखंडी के आसपास भी। आज उत्तराखंड का जोशीमठ दरक रहा है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, सपने टूट रहे हैं और स्वयं के अस्तित्व से स्वयं के कदम छूट रहे हैं। दुनिया अफसोस जता रही है, बड़ा बुरा हुआ यही बता रही है, किंतु असली दर्द उन्हें ही हो रहा होगा जिनका सब कुछ उजड़ गया। बच गया तो उनके दिलों में ताउम्र के लिए दुख दर्द और आंसुओं की सौगात। अभी भी जाग जाओ और विकास के लिए अंधे धृत राष्ट्रों को जगाओ। बचा लो उत्तराखंड की उस प्राकृतिक विरासत को जो हमें सौभाग्य से मिली थी। आज जोशीमठ की बारी है, कल हमारी भी बारी आ सकती है। जो बिगड़ा सो बिगड़ गया, आगे और ना बिगड़ने दें। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग के चलते नरेंद्र नगर विधानसभा में स्थित अटाली गांव में आ रही दरारों से ग्रामीण दहशत में हैं। टिहरी झील के पास पिपोला जैसे कई गांवों में जमीन खिसकने से दरारें बढ़ रही हैं। हिमालय धैर्य खो रहा है, उत्तरकाशी भी भू धसाव से अछूता नहीं है, वहीं कर्णप्रयाग भी दरारों की जद से गुजर रहा है। सैकड़ों घर खाली हो रहे हैं, विस्थापितों व गैर विस्थापितों का दर्द बहुत गहरा है। हाल ही में लोहारी गांव डूब गया था। पंचेश्वर डैम की सुख बुगाहट हृदय को विचलित करती है। उत्तराखंड के हृदय में पड़ने वाली दरारों का दर्द कभी तो महसूस करो, यही मौका है। समझ सको तो समझ लो,
अन्यथा पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। खबर चक्र केसी। खबर चक्र केसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार।